दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा विलियम शेक्सपियर का एक प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। दोस्तों ये 5 एक्ट की एक कॉमेडी है, 4 लोगों की, जिसमें 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं। कहानी की शुरुआत में दोनों लड़के लाइसेंडर और डिमेट्रियस हर्मिया नाम की एक लड़की से प्रेम करते हैं, लेकिन हर्मिया सिर्फ लाइसेंडर को पसंद करती है, डिमेट्रियस से उसका कोई मतलब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी लड़की है हेलेना, वो डिमेट्रियस को पसंद करती है, लेकिन ऑफकोर्स डिमेट्रियस उसे पसंद नहीं करता। अब दोस्तों इस प्ले में कंफ्यूजन तब शुरू होती है जब एक फेयरी यानी कि एक दूत, एक परी टाइप की होती है ना, जो दूत टाइप का जिसका नाम है रॉबिन गुडफेलो, जिसको पक पक इस प्ले में कहते हैं पक, वो अपने जादू का इस्तेमाल करता है ताकि ये डिमेट्रियस हेलेना से प्रेम करे। लेकिन वहां इससे गड़बड़ हो जाती है और ये लाइसेंडर हेलेना के साथ प्रेम में पड़ जाता है, लेकिन सब कुछ ठीक करने के चक्कर में बात और बिगड़ती जाती है। अब ये डिमेट्रियस को भी मजबूर कर देता है कि ये हेलेना से प्रेम करे, और अब ये दोनों बंदे हर्मिया की बजाय हेलेना से प्रेम करने लगे हैं। लेकिन एंड में जाकर के रॉबिन सब कुछ सही कर देता है, लाइसेंडर को हर्मिया के साथ और हेलेना को डिमेट्रियस के साथ एक कर देता है, और एंड में सब खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों अब मैंने ये दिया आपको एक ओवरव्यू, अब हम हमारा प्ले शुरू करते हैं। तो इस प्ले की शुरुआत होती है थीसियस से, जो कि ड्यूक ऑफ एथेंस है, और इसकी शादी हिपोलिटा से होने वाली है, जो कि अमेज़ॉन्स की रानी है, और इसे अभी अभी इसने एक युद्ध में जीता है, और ये ऑर्डर दे देता है कि इसकी अपकमिंग वेडिंग के लिए सिटी को पूरी तरह से रेडी कर दिया जाए, एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। अब दोस्तों इसका एक नोबलमैन इसके पास आकर इसे बोलता है कि उसकी डॉटर हर्मिया लाइसेंडर नाम के एक लड़के से प्रेम करती है, और ये नोबलमैन चाहता है कि उसकी शादी, उसकी बेटी की शादी उसके चुने हुए लड़के डिमेट्रियस से हो, लेकिन इसकी बेटी डिमेट्रियस से शादी करने को मान नहीं रही। वो कहती है कि लाइसेंडर से उसकी शादी नहीं हुई तो वो मर जाएगी। अब दोस्तों ये लाइसेंडर भी ड्यूक के सामने अपना पक्ष रखता है कि डिमेट्रियस जो है, जिससे ये नोबलमैन अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है, पहले एक लड़की के साथ प्रेम में था, उसका नाम था हेलेना, तो वो हर्मिया के साथ इसलिए शादी नहीं कर रहा कि वो उसके साथ प्रेम में है, बल्कि वो पैसे के लिए शादी कर रहा है। लेकिन ये ड्यूक थीसियस ये कहता है कि हर्मिया को अपने फादर को ओबे करना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे या तो मरना होगा या फिर नन बनना होगा। नन का मतलब समझते हो, एक भक्तिन टाइप की होती है, तपस्विनी टाइप की, जिसका जीवन सिर्फ गॉड को समर्पित होता है। तो हर्मिया अगर अपने फादर को ओबे नहीं करती तो उसके सामने 2 ही ऑप्शन है, मरना या फिर नन बनना, ये ड्यूक बोल देता है इनको। अब दोस्तों हर्मिया और लाइसेंडर के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे। तभी दोस्तों इन दोनों के पास वहां पर हेलेना आती है और कहती है कि डिमेट्रियस तो तुम्हें पसंद करता है, हर्मिया को बोलती है ये। तब हर्मिया और लाइसेंडर उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम लोग तो वैसे भी आज रात को भाग रहे हैं, फिर डिमेट्रियस तुम्हारा है, ठीक है। लेकिन अब ये हेलेना बेवकूफ लड़की ये क्या करती है, इनके भागने वाली बात डिमेट्रियस को बता देती है कि इस बात को बताने के बहाने उसे डिमेट्रियस को देखने का मौका तो मिलेगा। अब दोस्तों कुछ लोगों की टोली, कुछ सर्वेंट्स की टोली ये डिसाइड करती है कि वो लोग थीसियस और हेपोलिटा की जो वेडिंग होने वाली है उसमें एक प्ले परफॉर्म करेंगे। अब इनमें एक बंदा है बॉटम नाम का, वो प्ले में एक लीड कैरेक्टर बनने वाला है। अब दोस्तों प्ले के अंदर और भी कैरेक्टर जुड़ेंगे, तो फॉरेस्ट के अंदर यानी कि जंगल के अंदर ओबेरॉन और टाइटेनिया, जो कि फेरीज यानी कि एंजल्स की किंग और क्वीन है, इन दोनों में लड़ाई हो जाती है एक बच्चे को लेकर कि इस बच्चे को अपने पास कौन रखेगा। अब ये जो टाइटेनिया है ये बच्चा इसे ओबेरॉन को नहीं देती, तो इससे बदला लेने के लिए ओबेरॉन क्या करता है, रॉबिन गुडफेलो, जिसका नाम मैंने पक बताया था, पक जो इस कहानी में अब रायता फैलाने वाला है, तो रॉबिन गुडफेलो को अपने पास बुलाता है और उसे एक फ्लावर, मैजिक वाला फ्लावर लाने को बोलता है। वो कहता है कि वो रस, वो फ्लावर का रस टाइटेनिया की आंखों में डाल देगा, और इसे डालने के बाद वो जब आंख खोलेगी और जिस भी पहले बंदे को देखेगी उसे पसंद करने लगेगी। ओबेरॉन टाइटेनिया के साथ ये सब कुछ बदला लेने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो अब डिमेट्रियस का पीछा करती करती हेलेना जंगल में आ जाती है। ये डिमेट्रियस लाइसेंडर और हर्मिया को ढूंढने आया जंगल में ताकि ये इन दोनों को भागने से रोक सके। ये हेलेना इसका पीछा कर रही है, वो उसे बार बार कह रहा है कि मेरा पीछा मत करो, यहां से चली जाओ, लेकिन वो नहीं जाती। ओबेरॉन उन दोनों को देख लेता है, ये ओबेरॉन जो है ये इन दोनों को देख लेता है। तभी रॉबिन गुडफेलो इसके पास वो फूल लेकर के आता है, मैजिक फ्लावर। अब ओबेरॉन इसे थोड़ा सा जूस देता है और कहता है कि जंगल में जाओ और इस जूस को उस लड़के की आंख में डाल दो, यानी कि डिमेट्रियस की आंख में डाल दो,
ताकि वो हेलेना को पसंद करने लगे। और ये थोड़ा सा जूस अपने साथ ले जाता है ओबेरॉन और टाइटेनिया की आंखों में डाल देता है। ठीक है, वहां हर्मिया और लाइसेंडर अब भागते भागते थक गए हैं, तो वो एक जगह रुक गए और सो गए। अब ये रॉबिन वहां पे आया, इसने गलती से जूस लाइसेंडर की आंखों में डाल दिया डेमेट्रियस की बजाय, और वहां पे डेमेट्रियस और हेलेना भी जंगल में अलग अलग हो गए। फिर वो डेमेट्रियस को ढूंढती हुई, हेलेना डेमेट्रियस को ढूंढती हुई यहां आ जाती है जहां पे ये लाइसेंडर और हर्मिया सो रहे हैं, और गलती से सोते हुए लाइसेंडर को छेड़ देती है। लाइसेंडर जागते ही हेलेना को देखता है और उसे प्यार करने लगता है। अब लाइसेंडर जब हेलेना को ऐसा बोलता है तो वो सोचती है वो उसका मजाक उड़ा रहा है, वो उसे बोलती है बस करो और वहां से चली जाती है, लेकिन लाइसेंडर उसका पीछा करने लगता है। अब हर्मिया जब जागती है तो वो अपने पास में लाइसेंडर को नहीं पाती और उसकी तलाश में निकल जाती है। अगली सुबह दोस्तों ये टोली जो थी ना, जो प्ले परफॉर्म करने वाली थी, ये इस जंगल में आकर के प्रैक्टिस करने लगी। रॉबिन गुडफेलो खुद को छुपा लेता है और इनकी प्रैक्टिस को देख रहा होता है, और इन लोगों को देखता है चुपचाप, है ना। तो बॉटम जो है इनमें, जो ये टोली का मास्टर है, जो लीड रोल कर रहा है, ये गधे का सिर पहन लेता है, और इत्तेफाक से ये टाइटेनिया के पास चला जाता है जंगल में, और टाइटेनिया इसको देख लेती है और इससे प्रेम करने लगती है। और ये प्ले का बहुत ही कॉमेडी मोमेंट होता है। रॉबिन और ओबेरॉन ये आपस में डिस्कस करते हैं कि इनकी प्लानिंग कैसे जा रही है। अब दोस्तों ये हर्मिया जो है ये लाइसेंडर की तलाश कर रही है, जंगल में ढूंढ रही है उसको, डेमेट्रियस इसका पीछा कर रहा है। हर्मिया को जब लाइसेंडर नहीं मिल रहा तो ये सोच रही है कि डेमेट्रियस ने उसको मार दिया, लाइसेंडर को मार दिया। ओबेरॉन और रॉबिन इनको देख लेते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं, और वो ओबेरॉन रॉबिन से कहता है कि तुमने सब कुछ उल्टा फुल्टा कर दिया, ये लड़का डेमेट्रियस तो यहां पे है, तुमने किसकी आंखों में जूस डाल दिया। अब ये ओबेरॉन सोचता है कि अब मुझे ही सब कुछ सही करना होगा। ये डेमेट्रियस हर्मिया का पीछा करते करते जब थक जाता है तो एक जगह आकर के सो जाता है। ओबेरॉन रॉबिन को बोलता है कि हेलेना को कहीं से भी ढूंढ करके लाओ, मैं इसकी आंखों में जूस डालता हूं। ये डेमेट्रियस की आंखों में जूस डाल देता है। वहां लाइसेंडर अभी भी हेलेना का पीछा कर रहा था, तो ये दोनों यहां पे आ जाते हैं, और डेमेट्रियस जो सो रहा था जब ये उठता है तो हेलेना को देखता है और ये भी हेलेना से प्यार करने लगता है। तो दोस्तों अब दोनों जने, लाइसेंडर और डेमेट्रियस, दोनों हर्मिया की बजाय हेलेना के पीछे पड़ गए। अब हेलेना को लग रहा था कि ये दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि कल तक तो ये हर्मिया के पीछे पागल थे और आज मेरे पीछे पागल कैसे हो गई। तभी दोस्तों यहां पर हर्मिया आ जाती है और लाइसेंडर उसे बोलता है, हर्मिया को बोलता है कि वो अब उसे पसंद नहीं करता, वो अब हेलेना को पसंद करता है। हर्मिया शॉक हो जाती है और हेलेना सोचती है कि हर्मिया भी इन लोगों के साथ मिली हुई है और ये भी मिल करके इन लोगों के साथ मेरा मजाक उड़ा रही है। लेकिन दोस्तों हर्मिया को बहुत गुस्सा आता है उस पे, क्योंकि उसने लाइसेंडर को उससे छीन लिया। तब ये ओबेरॉन रॉबिन से बोलता है कि देखो तुमने सारा रायता फैलाया है, अब तुम ही इसको ठीक करोगे। अब दोस्तों रात को जब ये सारे के सारे सो रहे होते हैं तो रॉबिन क्या करता है, एक दूसरा फ्लावर का जूस जो इस जूस के असर को खत्म कर देगा, वो लाइसेंडर की आंखों में डाल देता है। अब दोस्तों वहां दूसरी तरफ टाइटेनिया जो है वो भी बॉटम के साथ सो रही थी, तो ओबेरॉन सोचता है कि अब उसने टाइटेनिया का बहुत मजाक बना लिया, वो टाइटेनिया को ठीक कर देता है। और जब टाइटेनिया जागती है तो वो देखती है कि वो बॉटम के साथ सो रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था वो बॉटम के साथ क्यों सो रही थी। फिर बॉटम अपने सर से वो गधे का सिर हटाता है तो पता चलता है बॉटम तो एक इंसान है। अब दोस्तों ये थीसियस, ये ड्यूक जो है, ड्यूक थीसियस वहां आता है जंगल में शिकार पर अपनी रानी हिपोलिटा और लॉर्ड्स के साथ में, और इन चारों को वहां जंगल में पाता है। अब सब कुछ सही हो गया दोस्तों, लाइसेंडर हर्मिया के साथ और डेमेट्रियस अब हर्मिया की बजाय हेलेना को पसंद करता है। लेकिन अभी भी हर्मिया का पिता जो है ये इजियस, ये इस बात पे अड़ा हुआ है कि ये तो इसकी शादी डेमेट्रियस के साथ ही करवाएगा। लेकिन अब ड्यूक थीसियस उसे मना कर देता है, कहता है कि इन दोनों को जिससे भी शादी करनी है उनसे शादी होगी, यानी कि हर्मिया की लाइसेंडर से शादी होगी और डेमेट्रियस की हेलेना से, और सब कुछ एंड में सही हो जाता है। अब दोस्तों थीसियस की जब वेडिंग हो रही थी, इसकी वेडिंग के बाद में, थीसियस और हिपोलिटा की वेडिंग के बाद में एक प्ले परफॉर्म किया गया, इस टोली ने प्ले परफॉर्म किया बॉटम ने अपने साथियों के साथ में, जो बहुत ही घटिया प्ले था, पब्लिक को पका दिया उस प्ले में। और इस प्ले की एंड में रॉबिन ऑडियंस को लास्ट वर्ड कहता है कि इस प्ले की सिलीनेस के लिए वो ऑडियंस से माफी चाहता है।